Hello everyone, this is your friend Dr. Amrit Godbole and I welcome you all on my YouTube channel Amrit Talks True Veda. Friends, जैसे कि मैंने बताया था कि पांडु चैप्टर के बाद में I will start with Kamala. So इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने कामला के बारे में कुछ बातें की हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया है. So let's get started. तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं. सबसे पहला लिखा हुआ है कि पांडु रोगी प्लस अपथ्य पित्तवर्धक आहार एंड इट लीड्स टू कोष्ठ शाखा आश्रय बहु पित्त परतंत्र. सेकंड लाइन लिखी हुई है पांडु रोग बिना प्लस रुक्ष शीत इत्यादि हेतु लीड्स टू अल्प पित्त शाखा आश्रय स्वतंत्र. अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, ये क्या कहना चाह रहा है. ये कहना चाह रहा है कि जब एक पांडु रोग से पीड़ित व्यक्ति जो अभी अभी ठीक हुआ है या पूर्णतः ठीक नहीं हुआ है, अगर वो फिर से अपथ्य पित्तवर्धक आहार का सेवन करता है, आहार के साथ साथ ऐसे विहार का भी सेवन करता है जो पित्त का वर्धन करे, तो इस प्रकार के रोगी को उत्पन्न होने वाला कामला कौन सा है, कोष्ठ शाखा आश्रित कामला है. साथ ही साथ में ये बहुपित्तज कामला है. बहुपित्तज क्यों, क्योंकि पांडु रोग अपने आप में एक पित्त विकृति से उत्पन्न होने वाली व्याधि है और इसमें ही पित्त से और ज़्यादा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया गया, तो इस वजह से जो पित्त की स्थिति है वो कैसी है, बहुपित्तज है. और ये परतंत्र है. परतंत्र क्यों, बिकॉज इसमें रोगी को पहले एक रोग है और उस रोग के पश्चात दूसरा रोग उत्पन्न हुआ है, तो ये परतंत्र है. मैंने इसी में आपको रेफरेंस भी दिया हुआ है अष्टांग हृदय निदान 13/15, जहाँ पर ये बहुपित्त और परतंत्र की बात आई हुई है, ये उसका रेफरेंस है. सिमिलरली अगर हम सेकंड लाइन को एक्सप्लेन करते हैं तो पांडु रोग बिना, मतलब बिना किसी पांडु रोग के अगर कामला की उत्पत्ति हो रही है तो उसके पीछे पित्तवर्धक आहार विहार केवल कारण नहीं होंगे. मतलब ये कि उस रोगी में कुछ और दूसरे निदान भी होंगे और उनके कारण उत्पन्न होने वाला जो कामला होगा वो क्या होगा, अल्प पित्तज शाखा आश्रयी कामला होगा. साथ ही साथ ये स्वतंत्र कामला होगा, मतलब कि इसमें किसी दूसरे डिजीज़ की प्रेजेंस होना आवश्यक नहीं है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन यहाँ पे मौजूद नहीं होगी, तो इसको हम शाखा आश्रय कामला या अल्प पित्तज स्वतंत्र कामला कहेंगे. तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कोष्ठ शाखा आश्रय कामला, दैट इज़ कामला ऑफ पित्त प्रकोप. तो थोड़ा विस्तार से बात करेंगे हम कोष्ठ शाखा आश्रय कामला के बारे में. ये एक श्लोक है, पांडुरोगी तू जो अत्यर्थम पित्तलानी निषेवते तस्य पित्तम असरग मांसम दग्धवा रोगाय कल्पते. मतलब पांडुरोगी, जो पांडु रोग से पीड़ित रोगी है, जब वो अत्यधिक पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन करता है तो उस रोगी के मांस रक्त आदि धातुएं विदग्ध हो जाती हैं और इससे उत्पन्न होने वाला व्याधि क्या होती है, इससे उत्पन्न होने वाला रोग होता है कोष्ठ शाखा आश्रित कामला. तो दिस टाइप ऑफ कामला इज सपोज टू बी अ स्टेज अहेड ऑफ पांडु. इफ अ पेशेंट ऑफ पांडु रोग एक्सेसिवली फॉलोज पित्त विशिएटिंग डाइट एंड रेजीम, द पित्त सो एग्रीवेटेड बाय इन्वॉल्विंग द रक्त एंड द मांस कॉजेज कामला एंड स्पेसिफिकली नोन एज कोष्ठ शाखा आश्रित कामला. लक्षण की तरफ बात करते हैं अगर, तो ये हरिद्र नेत्र, हरिद्र त्वक, नख, मुख, रक्त पीत शकरन मूत्रो भेक वर्णो हतेन्द्रिया दाह विपाक दौर्बल्यम सदन आरुचि कर्षिता कामला बहुपित्तैषा कोष्ठ शाखा आश्रयामता. तो ये जो लाइन लास्ट लाइन है, कामला बहुपित्तैषा कोष्ठ शाखा आश्रयामता, हम इससे थोड़ा सा हम मिसलीड कर जाते हैं इस लाइन को. इस लाइन को बहुत अच्छे से बाद में भाई जो मैंने वाग्भट का रेफरेंस दिया कि आचार्य वाग्भट ने इसको बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया बाद में कि बहुपित्त और अल्पपित्त. तो कामला बहुपित्तैषा कोष्ठ शाखा आश्रयामता, कि बहुपित्त से उत्पन्न होने वाला कामला कौन सा है, कोष्ठ शाखा आश्रय कामला है. और ये जितने भी लक्षण हैं, हरिद्र नेत्र, हरिद्र त्वचा, हरिद्र वर्ण का नख, हरिद्र वर्ण का मुख, या फिर रक्त पीत शकरत मतलब मल, मूत्र,
और भेक वर्णों हतेंद्रिया, भेक वर्ण से मतलब मेढक के समान वर्ण से है, और हतेंद्रिया हत इंद्रिया, इंद्रियों का नाश हो गया है, उसके इंद्रियों की शक्ति का नाश हो गया है, इंद्रिय दौर्बल्य हो गया है। इसके अलावा कह रहा है दाह विपाक दौर्बल्य सदन अरुचि कर्षिता। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमको मिलते हैं यहाँ पर, और ये जो सिम्टम्स हैं बेसिकली सिम्टम्स किस हैं, ये कोष शाखा आश्रित कामला के सिम्टम्स। अब चिकित्सा क्या करेंगे इसकी, तो एक पांडु की, जब मैंने चिकित्सा के बारे में बात की थी तब मैंने बताया था कि तत्र पांडवामय स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमित संशोध्यो मृदुभिस्तिक्ते कामली तु विरेचने, मैंने बोला भी था कि हम इसके बारे में कामला में बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है संशोध्यो मृदुभिस्तिक्ते कामली तु विरेचने, ये उस कामला के रोगी में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिस कामला के रोगी में पांडु की स्थिति वर्तमान में होगी, मतलब पांडु के होने के पश्चात जिसे कामला उत्पन्न हुआ है ऐसे रोगी में हमें ये चिकित्सा करनी है, मतलब कोष्ठ शाखा आश्रित कामला के रोगी में जिसमें कि बहुपित्त व्यवस्था होती है, बहुपित्त स्थिति होती है। तो पित्त की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, विरेचन, इसलिए उसे कामली तू विरेचने, इसलिए हम उस पेशेंट में विरेचन करा करके उसके पित्त का निर्हरण कर देंगे। जब पित्त का निर्हरण हो जाएगा, पित्त की स्थिति साम्य अवस्था में आ जाएगी, तो जो कामला होगा वो रिवर्स हो जाएगा, हम कंडीशन को रिवर्स कर देंगे उसके इसके थ्रू। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शाखा आश्रित कामला के बारे में। शाखा से मतलब होता है धातुएं, तो ये पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूँ अपने एक वीडियो में कि शाखाओं का मतलब धातुओं से है। तो जो कामला या जो रोग जिसमें पित्त और अन्य दोष धातुओं में स्थित हो जाए, तो ऐसे कामला को हम शाखा आश्रित कामला बोलते हैं। और जैसा कि बताया कि ये एक स्वतंत्र कामला है, ये अल्प पित्तज कामला है। तो ये जो कामला है, दिस इज़ अ कामला अ कंडीशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर की पैथोलॉजी, मतलब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। किसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, पित्त का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि जो पित्त है वो कोष्ठ में नहीं आ पा रहा है, और कोष्ठ में ना आ पाने के कारण वो कहाँ स्थित है, वो शाखाओं में आश्रित है, शाखाओं में स्थिति है उसकी, इस वजह से वो कोष्ठ में नहीं आ पा रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी से मतलब क्या है, पित्त का ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पर। ये जो स्लाइड है ये पर्टिकुलरली निदान के बारे में बात करती है कि शाखा आश्रित कामला के निदान क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि शाखा आश्रित कामला अल्प पित्तज कामला है, इसका मतलब है कि उसमें पित्त के अलावा दूसरे दोष भी इन्वॉल्व होंगे। और जो मैं रुक्ष शीत की बात कर रहा था वो यही निदान है कि रुक्ष शीत गुरु स्वादु व्यायामैर वेग निग्रही कफ सम्मूर्छितो वायु स्थानात पित्तम छिपेद बलि। यहाँ हो क्या रहा है कि जो ऊपर के जो रुक्ष शीत आदि निदान है इनके कारण कफ और वायु दोनों कुपित हो रहे हैं, और ये जो कफ और वायु कुपित हो रहे हैं ये बेसिकली पित्त के मार्ग का अवरोध कर दे रहे हैं, और ये पित्त को ढकेल दे रहे हैं कहाँ पर, शाखाओं में, ये कोष्ठ से पित्त को शाखाओं में ढकेल दे रहे हैं। और इसके कारण हो क्या रहा है, शाखाओं में पित्त की स्थिति है लेकिन कोष्ठ में पित्त नहीं है, इसी कारण से रोगी में त्वचा में नेत्र में इन सब जगहों पे तो पीतता दिखाई देगी, मूत्र में पीतता दिखाई देगी, लेकिन मल में पीतता नहीं दिखाई देगी। मल कैसा होगा उसका, श्वेत वर्चा, श्वेत तिल पिष्ट निभम, तिल के पीठी के समान उसको मल त्याग होगा, क्योंकि उसके कोष्ठ में पित्त का अभाव है, कोष्ठ में पित्त के अभाव के कारण उसके मल का रंजन नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से ऐसा रोगी तिल पिष्ट निभम के समान मल त्याग करता है। इसके अलावा और लक्षण जो उत्पन्न होते हैं वो क्या है, आटोप विष्टम्भ गुरु हृदय में गुरुता दौर्बल्य अल्प अग्नि पार्श्व अर्ति हिक्का श्वास अरुचि ज्वर, ये सब कुछ, ये कुछ और लक्षण है जो बेसिकली जो कोष्ठ में किसकी स्थिति है, पित्त तो कोष्ठ में है नहीं, तो कोष्ठ में स्थित कौन है, कोष्ठ में स्थित है कफ और वायु, कफ और वायु का जो सम्मूर्छित वायु है कफ के साथ में वो कोष्ठ में स्थित है, और जब कफ की स्थिति ज़्यादा हो जाएगी कोष्ठ में वायु के साथ में तो ऑब्वियसली बात है कि अग्नि जो है वो विकृत हो जाएगी, और साथ ही साथ में रोगी जो होगा उसमें
गुरुता होगी, हृदय में गुरुता उत्पन्न होगी, वात की व्याधियां, विष्टंभ, आटोप इत्यादि सारे लक्षण उत्पन्न होंगे। तो ये जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं ये कफ युक्त वायु के कोष्ठ में स्थित होने की वजह से हो रहे हैं और पित्त के कोष्ठ से बाहर निकल जाने के कारण, पित्त की ऊष्मा की कमी हो गई है कोष्ठ में, इसके कारण भी ये लक्षण जो है वो एग्रीवेट हो जाएंगे। तो जो हमारा शाखाश्रित कामला है, जो हमारे आचार्यों ने बताया है, उसके लक्षण को हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से बहुत अच्छे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो हिपेटोबिलियरी चैनल होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाइल होता है वो आपके ड्यूडेनम में नहीं आ पाता और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है वो ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, चूँकि बिलीरूबिन जो बाइल है वो नहीं आ पा रहा है, इसकी वजह से उसका जो स्टूल होता है वो कैसा होता है, पेल कलर का स्टूल होता है, पेल स्टूल होता है, और उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये शाखाश्रित कामला की संप्राप्ति के बारे में जो हमने बात की थी उसी का एक फ्लो चार्ट है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि निदान में रुक्ष, शीत, गुरु, मधुर, अधिक व्यायाम, ये सब निदान थे जिसके कारण से वात और कफ का प्रकोप होता है, और ये वात और कफ आपस में मिल करके दे गेट्स इंटेंगल्ड एंड देन मेक्स द कफ सम्मूर्छित वायु, और ये जो कफ सम्मूर्छित वायु है विच इट डिस्प्लेसेस द पित्त फ्रॉम द कोष्ठ एंड रीडायरेक्ट्स इट टू द शाखाज एंड इट सेल्फ सेटल्स डाउन इन द कोष्ठ, दिस लीड्स टू अग्निमांद एंड अग्निमान दिस बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पित्त फ्रॉम द कोष्ठ एज वेल एज सेटलमेंट ऑफ कफ सम्मूर्छित वायु इन द कोष्ठ एंड फर्दर लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक आटोप, विष्टंभ, चेस्ट हैवीनेस, प्रोस्ट्रेशन, पार्श्वशूल, हिकअप्स, डिस्निया, एनोरेक्सिया एंड फीवर एंड दीज ऑल सिम्टम्स अपियर्स इन ऑर्डर। सो दिस इज वॉट अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द शाखा आश्रित कामला पैथोजेनेसिस, कि कैसे निदान सेवन हुआ, फिर क्या हुआ, देन आगे क्या हुआ और क्यों हम इसको अल्प पित्तज कामला बोलते। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द शाखा आश्रित कामला। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में शाखा आश्रित कामला की चिकित्सा में निम्न बातें बताई हैं, इसमें उन्होंने कुछ डाइट बताई हुई है कि क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है, उन्होंने हमको नागर मतलब कि शुंठी का प्रयोग बताने के लिए कहा है, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण, अम्ल आदि का प्रयोग करने के लिए कहा है, और ये एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ पित्त रागात शक्रतो वायुश्चा प्रश्माद भवेत स्वस्थानम आगते पित्ते पुरीषे पित्त रंजिते। तो ये जो लाइन है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो अपनी बात को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, अंदर पित्त लिखा है उसमें और उसको सराउंड किया है एक सर्कल ने, उसमें कफ लिखा है, उसको कफ को आप कफ सम्मूर्छित वायु समझिए। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे शाखाश्रित कामला में कि जो कफ सम्मूर्छित वायु है वो पित्त का डिस्प्लेसमेंट कर दे रही है और पित्त को एक तरह से आवृत कर ले रही है, पित्त को भगा दिया उसने, शाखा में भगा दिया, कोष्ठ से दूर कर दिया और उसके बाद उसके मार्ग का अवरोध कर दिया। तो अब क्या हुआ कि पित्त जो है शाखाओं में दब के रह गया है और कोष्ठ में जा नहीं पा रहा है क्योंकि उसके चारों तरफ कफ और वायु, कफ सम्मूर्छित वायु का एक प्रकार का आवरण है। तो अगर हमको यहाँ पर चिकित्सा करनी है शाखाश्रित कामला में तो हमें यहाँ पर दो काम करने होंगे। पहला काम ये करना पड़ेगा कि अंदर जो दबा हुआ है पित्त हमें उसको बढ़ाना होगा और जो बाहर की तरफ पित्त जो कफ है जिसने आवृत किया हुआ है हमें उसे घटाना होगा। तो हमें ऐसी चिकित्सा करनी होगी जिससे कि कफ का ह्रास हो और पित्त की वृद्धि हो, और इसीलिए जो लाइन कह रही है कि आप पित्त रागात शक्रतो, मतलब कि हमें यहाँ पे पित्त हमें तब तक ये चिकित्सा करनी है जब तक मल का रंजन पित्त के द्वारा ना होने लग जाए, और अगर शाखा से कोष्ठ में ले जाने के लिए, दोषों को शाखा से कोष्ठ में ले जाने के लिए सूत्र जो बताया है आचार्य चरक ने, अगर हम उसको यहाँ पे मेमोराइज़ करें तो सबसे पहला उसमें पॉइंट आता है वृद्धया, वृद्धया विश्चंदनात् पाकात् स्रोतो मुख विशोधनात्,
तो ये जो लाइन है, ये जो विमान स्थान में बताया हुआ है, वहाँ से आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि शाखा से दोषों को कोष्ठ में ले जाने के लिए वृद्धि करनी है हमें दोष की। तो बेसिकली यहाँ पे हमको पित्त की इतनी वृद्धि करनी है कि वो अपने चारों तरफ जो कफ के आवरण है उसको तोड़ करके और कोष्ठ में आ जाए और मल का रंजन करने लग जाए। जैसे ही मल का रंजन होने लगेगा, हम पित्त की वृद्धि करना बंद कर देंगे और उसके बाद में तदनुसार फिर चिकित्सा करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट कोष्ठाश्रित कामला एंड इट्स कंपैरिजन विथ शाखा आश्रित कामला। उनके निदान क्या है, उनकी सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, उनके पैथोजेनेसिस क्या है और उनका ट्रीटमेंट क्या है, मैंने इसमें इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। और बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुंभ कामला और हलीमक एंड पान की इसके बारे में एक डिफरेंशिएशन बताऊंगा, सो दैट आपका कामला जो है ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स सो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो और साथ ही साथ किताब से भी पढ़ें आप एक बार, और पढ़ करके कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना चाहें तो व्हाट्सएप भी करके मेरे से बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।